हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई विश के सब बढ़िया और अपने अपने घर पे मौज ले रहे हो। तो आज अपने पास है न्यू MT15 2022 BS6, जिसके आप लोग देख सकते हो USD फॉक्स वगैरह आ चुके हैं। तो पहले एक बार इसको राइड वाइड करके देखते हैं, और काफ़ी यहाँ पे पब्लिक है तो एक बार इसको राइड वाइड करके देखते हैं, उसके बाद आपको इसकी पूरी डिटेल रिव्यू देते हैं। तो चलो, तो अभी अपन राइड कर रहे हैं MT15। बाकी आपने साथ में दूसरी MT भी है, एक ड्यूक है, एक अपनी NS है। तो अपन राइड करके देखते हैं पहले इसको, कैसा क्या रिव्यू आता है, कैसा क्या फील आता है। क्योंकि जब इसको राइड करेंगे थोड़ा पता लगेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कुछ चेंज हुआ भी है या नहीं बाइक में। तो चलो, काफी लाइट वेट फील हो रही है। बाकी अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं अपन पहले वाली MT से, तो पिकअप में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा, काफ़ी अच्छा उठ रही है ये। पहले वाली MT से काफ़ी अच्छा एग्रेशन हो गया इस बाइक का। बाकी हमारे राइडर कहाँ रह गए कोई पता नहीं। क्या चल रही है बाइक, एकदम मक्खन, एकदम स्मूथ चल रही है बाइक। साउंड की बात करें वो भी MT का है, वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। बाकी चलाने में तो फील है ही। बाइक लीन हो रही है, क्या बैलेंस है, एक नंबर। और सबसे अच्छा तो इसका इंजन है, तो ये है अपनी न्यू MT 1522। एक बार तो आप इसकी ओवरऑल लुक देख लो, बाकी आपने इसके सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह देख लिए होंगे। तो पहला जो इसमें चेंज किया गया है वो तो है एक मरगेड की, इसकी लुक में थोड़ा ड्यूक जैसे बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद इसमें जो USD फोक दी गए हैं वो आप देख सकते हो, काफ़ी चेंज किया गया है इसमें, पूरे USD फोक्स दे दिए गए हैं इसमें, कि ये काफ़ी बड़ा चेंज है इसमें। बाकी ये अगर KTM वगैरह से कंपेयर करें उतने मोटे तो नहीं है इनका साइज़, लेकिन ओरों से देखें तो काफ़ी सही है, और USD फोक्स से लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर इसमें इंडिकेटर्स भी अगर LED दे देते तो काफ़ी ये बढ़िया हो जाता। बाकी अगर इस कलर की बात करें तो ये ग्लोसी ब्लैक में है ये कलर, जो कि काफ़ी अच्छी साइन कर रहा है और काफ़ी अच्छी लग भी रही है बाइक, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल कलर है, कोई दूसरा डिज़ाइन नहीं दिया है इसमें, तो आप देख सकते हो एकदम।
बाकी इसमें आपको वही बीच में प्रोजेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाएगी जो कि कुछ ऐसी लगती है ऑन होने पे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी जाली टाइप में दी गई है कहीं ना कहीं लुक बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एमटी का सिंबल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको यामा का सिंबल मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पीछे से टेल की, तो टेल वही है जो पहले आती थी, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, सेम वही टेल है। उसके बाद जो एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो एग्जॉस्ट भी वही सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया जो V3 और उसमें आता है। बाकी एक बार आप इसका कंसोल वगैरह भी देख लो तो हाई बडी वगैरह इसमें लिखा आता है। बाकी इसमें ब्लूटूथ से आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, इसको ब्लूटूथ का सिस्टम इसमें आ गया है, यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, पेट्रोल कितने क्या एवरेज देती है, सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन बिठाया गया है, जैसे कि फुटरेस्ट वगैरह है ये सिल्वर कलर में है। यहाँ पर इंजन का जो ऊपर का हिस्सा है वो भी, अब बात कर लेते इसके पावर की, तो पावर पहले से इंक्रीज़ कर दी गई है। इसमें पहले थोड़ा दबके चलती थी बाइक, लेकिन अब पूरा खुल के एकदम बढ़िया चलती है बाइक। और जो पिकअप है, थ्रोटल रिस्पॉन्स है, वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और जो USD फोक्स इसमें आ गए हैं तो उससे कहीं ना कहीं बैलेंस इसका ज़्यादा बेटर हुआ है पहले से। पहले थोड़ी बबलिंग करने लग जाती थी बाइक, लेकिन ऐसा कुछ भी अब नहीं हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा चल रही है, काफ़ी स्मूथ चल रही है। तो बस इतना ही था अपनी इस वीडियो में, बाकी आपको इसके फीचर्स वगैरह तो सब पता ही है, जो पहले बाइक में आते थे वही थे। बाकी ये कंपेयर वीडियो भी डाल देंगे इसके, दोनों को पुरानी MT और न्यू MT को कंपेयर करते हुए कंपैरिजन वीडियो भी। बाकी यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए मिल जाएगा जो कि काफ़ी बड़ा दिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं लुक थोड़ी सी ख़राब होती है अगर आप साइड से देखते हो तो। बाकी ठीक है, पकड़ने के लिए सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक और शेयर, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, लव यू ऑल। Oh, I got